जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जब SSGD में आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो सिलेक्शन होने के बाद आप लोग का 4 वेरीफिकेशन होता है। और वेरीफिकेशन आप चाहे ट्रेनिंग सेंटर में रहिएगा या फिर घर पर रहिएगा, वेरीफिकेशन अपने समय पर होगा। 4 वेरीफिकेशन होता है। और वेरीफिकेशन कब कब होता है और क्या कौन कौन सा वेरीफिकेशन होता है चार, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे वीडियो में लास्ट तक। पहले चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला आपका वेरीफिकेशन जो होता है वो होता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट का। आपने जो जिस फॉर्मेट में आपने या फिर जिस कैटेगरी का जिस जिस कास्ट का आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनवा करके वहाँ पर दिया हुआ है, तो उसका वेरिफिकेशन सबसे पहले होता है कि जब जी आपने जिस कास्ट का कास्ट सर्टिफिकेट बना करके दिया हुआ है, आप अपने गांव में उसी कास्ट के हैं या नहीं है, इसका वेरिफिकेशन होता है। वो डिपार्टमेंट करता है, आपको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, ये काम डिपार्टमेंट का है। डिपार्टमेंट करता है आपको, डिपार्टमेंट जब होता है वो वेरीफाई करता है कि आप इस कास्ट से बिलोंग करते हैं या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि आपके फेक बना करके अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगा दिए, तो उसको वेरीफाई करता है। सबसे पहला वेरीफिकेशन हो गया आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद आपका होता है वेरीफिकेशन डोमिसाइल सर्टिफिकेट का, मतलब निवास प्रमाण पत्र का। उसका वेरीफिकेशन होता है कि आपने जिस स्टेट से फॉर्म भरा है या फिर यहाँ पर जिस जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाया हुआ है, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र का, आप उसी निवास, आप वहीं के निवासी हैं, आप वहीं पर भी आपका परमानेंट एड्रेस या करस्पॉन्डेंट एड्रेस वहीं पे है या कुछ अलग है। कुछ कुछ लोग होते क्या है कि मतलब कि जहाँ कट ऑफ कम जाता है या फिर जहाँ से मेरिट कम जाता है वहाँ से लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा देते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा देते हैं, लेकिन पकड़े जाने पर उन पर कानूनी कार्रवाई होता है। इसका मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है। तो उसके बाद यहाँ पर आपका क्या हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट का वेरीफिकेशन होता है, निवास प्रमाण पत्र का वेरीफिकेशन होता है। इसका भी वेरीफिकेशन डिपार्टमेंटल करता है, खुद डिपार्टमेंट करता है, आपको यहाँ पाने की आवश्यकता नहीं है। वो खुद अपना कागजी मतलब कि डिपार्टमेंट के द्वारा अपना सिग्नल के द्वारा वहाँ से वेरीफाई करता है कि आप ये जो आप निवास प्रमाण पत्र लगा रखे हैं डॉक्यूमेंट्स में, वो उसके अनुसार, उस एड्रेस के अनुसार आप वहीं के निवासी हैं या नहीं है। ये होगा आपका सेकेंड नंबर वेरीफिकेशन हो गया। आपका फर्स्ट में हो गया आपका जाति प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन, उसके बाद हो गया आपका निवास प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन। थर्ड में होता है आपने जो भी उसमें अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट जो लगा रखे हैं अपना, उसका वेरिफिकेशन होता है कि आपने जो भी या जिस भी क्वालिफिकेशन पे आपका वैकेंसी है, चाहे 10th पे है, 12th पे है या फिर ग्रेजुएशन पे है, वो जो आपने डॉक्यूमेंट लगाया है, मार्कशीट सर्टिफिकेट जो भी लगाया है, उस कॉलेज से या उस स्कूल से, उस इंस्टीट्यूट से आपने उस मान्यता को प्राप्त किया है या नहीं किया है, उसका भी वेरिफिकेशन होता है। उसका वेरिफिकेशन होता है कि आपने इसी स्कूल से या इसी कॉलेज से आपने अपनी क्लास 10th का या 12th का फिर ग्रेजुएशन जो भी आपने सर्टिफिकेट दे रखा है डिपार्टमेंट को, उसका वेरिफिकेशन करता है कि आपने इसी संस्था से आपने ये क्लास 10th पास किया है या फिर क्लास 12th या फिर आपने ग्रेजुएशन इसी संस्था से किया है, इसका वेरिफिकेशन आपका होता है। थर्ड में हो गया आपका क्वालिफिकेशन का वेरिफिकेशन हो गया। उसके बाद फोर्थ में जो होता है, लास्ट वेरिफिकेशन होता है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है उसका वेरिफिकेशन होता है। उसका वेरिफिकेशन आपका डिपार्टमेंट करता है, जब अपने इसका वेरिफिकेशन आपका भी डिपार्टमेंट करता है और इसमें आपका इसका वेरिफिकेशन भी आपका डिपार्टमेंट करता है। अब जैसे आप ट्रेनिंग में रहिएगा तो फिर में आपका जो जिस जो अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आचरण प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो आपने जो बनवा करके वहाँ पर लगा रखा है कि नहीं, हमें वो ये होता है कि हमारे ऊपर कोई मतलब FIR दर्ज नहीं है, मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, इसका होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसका वेरिफिकेशन होता है। वहाँ से आपका डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में आपका ज्वाइनिंग होगा वहाँ से आपको भेजेगा थाना में, थाना में वेरीफाई होता है कि इन पर कोई FIR नहीं है, किसी तरह के केस मुकदमा दर्ज नहीं है, इसका वेरीफाई होता है। वेरीफाई होने के बाद फिर से वो कागज़ आपका डिपार्टमेंट में जाता है, उसके बाद आपको कोई समस्या नहीं होता। ये सारा कार्रवाई आपका डिपार्टमेंट करता है, इसमें आपको किसी तरह से कोई हस्तक्षेप नहीं करना है, नहीं करना होगा, ये सारा काम अपना डिपार्टमेंट खुद कर लेता है। अगर इसमें आपको कोई चीज़ फॉल्स पकड़ा जाएगा तो आपको पकड़ा जाएगा और वो पूछताछ किया जाएगा, उसके बाद आगे कार्रवाई वो अपना डिपार्टमेंट करेगा। तो ये होता है, तो आपको किसी तरह का कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाना है। ये 4 वेरीफिकेशन होता है आपको सर्विस लगने के बाद, तो अपना हर डॉक्यूमेंट्स का आपको अच्छे से देना है, सही देना है, कोई किसी को गलत नहीं देना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को आपने समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।